आपकी खिदमत में पेश की। गुफ्तगू का मौजू यह है कि खुदावंद मुताल जो एक मकसद के तहत इस कायनात को खल्क कर रहा है और उसने वादा किया है कि इस दुनिया का इख्तिताम अदालत के ऊपर होगा और एक आदिलाना हुकूमत कायम होगी और एक इंसान आएगा जब दुनिया जुल्म और सितम से भर चुकी होगी तो इस दुनिया को अदालत से भर देगा। तो सवाल यह है कि जब यह इंसान दुनिया को अदालत से भरने के लिए आने का इरादा रखता है तो उसके आने में हमारा क्या किरदार है, हम भी उसमें कोई किरदार रखते हैं या नहीं रखते। अर्ज किया आपकी खिदमत में कि अगर एक आदिलाना निजाम कायम करना है और एक ऐसी हुकूमत बनना है कि जिसका हर जर्रा अपने मकाम पर मौजूद हो, हर काम अदालत के साए में हो रहा हो और यह निजाम एक निजाम आदिलाना हो, तो कम से कम चार शर्तें हैं और ये शर्तें जब तक मुहक्कक नहीं होंगी तब तक आदिलाना निजाम कायम नहीं हो सकता। पहली शर्त यह थी कि एक आदिलाना निजाम बनाने के लिए, एक आदिलाना हुकूमत बनाने के लिए एक आदिलाना कानून होना चाहिए, एक ऐसा कानून हो
जो हर मकाम पे आके बताए कि देखो जब टकराव हो जाए तो क्या करना चाहिए, जब किसी का नुकसान हो रहा हो तो कैसे अमल करना चाहिए, जब लोग अपने मसाइल को लेकर आपस में उलझ रहे हों तो मसाले को कैसे हल करना चाहिए, एक ऐसा आदलाना कानून हो जिसके साए में हर शय को अपने मकाम पर रखने की कोशिश की जा सके। क्योंकि अदालत का माना यही था कि हर शय को उसका हक दिया जाए और उसे अपने मकाम पर रखा जाए। तो ये कानून आदलाना कानून होना चाहिए, और ये बात रोशन है कि ऐसा कानून इंसान बना ही नहीं सकता, क्योंकि ना उसका इल्म ऐसा है, ना उसके पास वो तमाम मालूमात है। तो परवरदिगार ही उस कानून को बना के भेजेगा, जो कायनात का बनाने वाला है वही इस कानून को भी बनाकर भेजेगा। का कानून काफी नहीं है, बल्कि एक दूसरी शर्त भी होना चाहिए। का वो शर्त यह है कि इस कानून को लागू करने के लिए एक इंसान होना चाहिए जो आए और कानून के मसाइल को लोगों के दरमियान पेश करे। क्योंकि जब तक कि ऐसा इंसान ना हो तो कानून बना हुआ होता है लेकिन उस पर अमल नहीं हो सकता। तो अगर कानून पर अमल करवाना है तो एक इंसान की जरूरत है, और उसकी सिफात होना चाहिए। हर कोई इस मकाम को हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी पहली सिफत यह होना चाहिए कि उसे इस कानून का पूरी तरह से इल्म हो, वो जानता हो कि इस कानून में क्या किस तरह से कहा जा रहा है, किस आयत की तफसीर किस तरह से की जाएगी, कौन सी आयत किस आयत के ऊपर मुकदम की जाएगी। इसीलिए परवरदिगार ने ऐसी हस्तियों को यह जिम्मेदारी दी जो कायनात की आला तरीन हस्तियां थी। का इस किताब का इल्म, इसी के साथ साथ एक शर्त और भी होना चाहिए कि वो इंसान मासूम हो। क्योंकि अगर वो मासूम नहीं होगा तो ये कैसे भरोसा हो पाएगा कि जो कह रहा है वो खुदा की बात है, जो लागू कर रहा है वो खुदा का कानून है, जो करवा रहा है वो खुदा का हुक्म है। ये उसी वक्त समझ में आएगा कि जब वो इंसान मासूम हो। परवरदिगार ने कहा देखो इस इंसान को भी तुम नहीं चुन सकते हो, क्योंकि तुम्हें ये तुम ये तो बता सकते हो कि जाहिरी तौर पर कौन अच्छा है, लेकिन तुम ये कभी नहीं बता सकते कि बातिनी तौर पर कौन मासूम है। तुम जाहिर को देख के फैसला ले सकते हो, हम जाहिर और बातिन तमाम चीजों को देख के फैसला ले सकते हैं। लिहाजा परवरदिगार ने आवाज दी कि अगर इमाम बनाना है, अगर इस कानून को लागू करने वाला बनाना है तो वो भी हम ही बनाएंगे। मैंने पहले दिन आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि इन चार शर्तों में दो शर्तें अल्लाह के जिम्मे हैं, और यही दोनों शर्तें कि कानून भी अल्लाह बनाएगा और कानून को जारी करने वाले को भी परवरदिगार ही नस्ब करेगा। हां, रसूल की जिम्मेदारी यह होगी कि आके ऐलान कर दें कि ऐ लोगों, परवरदिगार ने इस इंसान को चुना है। या अय्युहर रसूल बल्लिग, ऐ मेरे नबी पहुंचा दीजिए। तो पहुंचाना आपका काम होगा, बनाना हमारा काम होगा। तो ये दूसरी शर्त इस कानून की। लिहाजा हमारे मकसद में और हमारे अकीदे में ये दोनों बातें मुसल्लम हैं कि ला रथ बिन वला या बिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कि जो भी इंसान की जरूरत है कयामत तक के वो कुरान के अंदर मौजूद है, लेकिन उस कुरान का मुफस्सिर चाहिए, उस कुरान को बयान करने वाला चाहिए। परवरदिगार ने ऐसी हस्तियों को आकर चुना जो कुरान का मुजस्सम इल्म रखते थे। का ये दोनों शर्तें परवरदिगार ने पूरी कर दी, का एक तीसरी शर्त भी जरूरी है, और उसके बगैर मामला आगे नहीं बढ़ेगा। अगर आदलाना हुकूमत कायम करना है और अगर आदलाना निजाम कायम करना है तो फिर कुछ ऐसे जाबाज होना चाहिए, कुछ ऐसे सहाबी होना चाहिए, कुछ ऐसे लोग होना चाहिए
जो आगे बढ़कर इस हुकूमत को बनाने में मदद कर सके। आप देखें पूरी तारीख का मुतालिया कर लीजिए, कुछ मुद्दत है जहां पर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को हुकूमत मिली है, बहुत कम मुद्दत के लिए। मौलाए कायनात को जाहिरी तौर पर हुकूमत मिली 5 साल से भी कम, लेकिन जैसे ही आपको यह हुकूमत मिली तो आपको काहे की जरूरत थी, कुछ ऐसे लोगों की जरूरत थी जो आके शहरों का निजाम संभाल सकें, मालिक अश्तर की जरूरत थी कि जो अली की मदद आके कर सकें, सलमान फारसी की जरूरत थी जो आगे बढ़ के अली के काम को आगे बढ़ा सकें। तो कहा यह नहीं हो सकता कि वो इंसान अकेले ये निजाम कायम कर दे, तो कुछ ऐसे इंसानों की जरूरत है। कल मैंने आपके खिदमत में अर्ज किया कि एक अदद हमें याद है कि जब इमाम के इतने सहाबी होंगे तभी मसला हल होने वाला है, और वह अदद तो आप सबको याद है 313। भैया 313 हो जाएंगे तो मसला हल हो जाएगा। ये मैंने आपके सामने अर्ज किया था कि 313 तो दो तीन रिवायतें हैं, और भी रिवायतें हैं, बल्कि एक रिवायत में यह है कि हजरत से आके 10,000 लोग मुलहक होंगे, तो उसकी भी तो इमाम की जरूरत है। इस पूरी दुनिया का निजाम सिर्फ 313 से नहीं चलने वाला, और इसी शर्त पे हम आके रुक जाते हैं, इसी शर्त पे सब आके रुक जाते हैं कि भाई देखिए दो शर्तें तो अल्लाह के हवाले थी, उसने बखूबी पूरी कर दी, एक शर्त हमारे हवाले है, तो जब ये शर्त पूरी होगी इमाम तशरीफ ले आएंगे। लेकिन कल मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि ये शर्त इंशाअल्लाह के पूरी होगी, लेकिन ये किसी इमाम के जमाने में पूरी हो चुकी है, लेकिन इस शर्त के पूरा हो जाने के बावजूद भी आदलाना निजाम कायम ना हुआ। अगर आदलाना निजाम कायम होने के लिए ये शर्तें काफी होती, मैं एक जाहिरी से मिसाल दूं ताकि बात की वजाहत हो जाए। भाई आपने कहा किबला अगर आपको कहीं पे आग लगाना है तो ये दो तीन शर्तें हैं, कोई ऐसी चीज हो जिसमें जलने की सलाहियत हो, ऑक्सीजन हो और गर्मी हो, और कोई ऐसा चौथा इंसान हो जो इन सबको एक दूसरे के करीब कर दे, तभी आग लगेगी, और अगर इसमें से एक शर्त भी कम है तो आग नहीं लग सकती। कहा सब शरायत हूं, तो अगर कहीं पर आपको आग जलती हुई नजर आए तो आप समझ जाएंगे कि शरायत मौजूद है, और अगर कहीं शरायत मौजूद है तो इसका मतलब यह कि आग जल जाना चाहिए, क्योंकि इल्लत और मालूल के दरमियान, कॉज और इफेक्ट के दरमियान जो राबता होता है वो तयशुदा राबता नहीं होता है, बल्कि हकीकी राबता होता है। हम और आप ये तय कर लेंगे भाई मजलिस इस टाइम पर होगी, तो ये तो तयशुदा राबता है, हो सकता है इसे बदल दें, तो भाई आज इस टाइम पर होगी, कल 5 मिनट बाद होगी, आधा घंटा पहले हो जाएगी, तो ये तयशुदा राबता है जो हमारे और आपके हाथ में होता है, मसलहत को देख के उसे बदल दिया करते हैं। लेकिन परवरदिगार ने जो कायनात में तकवीनी राबते बनाए हैं वो हमारे और आपके तय करने से बदलते नहीं हैं, ना हमारे कहने से सूरज रुकेगा, ना हमारे से रोकने से सूरज निकलेगा। ये मसला हमारे और आपके हाथ का नहीं है, बल्कि ये परवरदिगार का तकवीनी कानून है। ऐसा है ये हम और आप तय नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से अगर एक आदलाना निजाम कायम होना है तो एक ऐसा मसला है कि अगर उसके शरायत होंगे तो वो निजाम जरूर होगा, और अगर शरायत नहीं होंगे तो वो निजाम नहीं हो सकता। अब चाहे हम और आप कितनी ही तमन्ना क्यों ना कर लें, तो अजीजो दुआ अपनी जगह पर जरूरी है, लेकिन दुआ के साथ साथ हमें इस काम के लिए भी मेहनत करना चाहिए ताकि वो शरायत मुहैया हो जाए।
मैं बारह एक जुमला कहता हूं इमाम के जुहूर के हवाले से कि जुहूर होगा नहीं, जुहूर करवाना पड़ेगा। क्योंकि जब हम आके कहते हैं कि जुहूर हो जाएगा तो हमें लगता है कि हमारी कोई जिम्मेदारी है नहीं, हो जाएगा भाई, सूरज निकल आएगा, सूरज के निकलने में मेरा क्या किरदार है, मैं चाहे सोता रहूं चाहे जागता रहूं वो अपना काम कर रहा है। लेकिन अगर किसी मसले में मेरा किरदार है तब इंसान अपनी जिम्मेदारी को समझता है, और जिम्मेदारी को समझ के आगे बढ़ के ये समझ जाता है कि अगर मैंने जिम्मेदारी को पूरा ना किया तो ये काम नहीं हो सकता। और ये समझने की जरूरत है कि यहां पर हमारी जिम्मेदारी क्या है। तो मैंने आपसे अर्ज किया तीन शर्तें हो चुकी, लेकिन एक चौथी शर्त भी बहुत अहम है और इसी के ऊपर मसाला टिका हुआ है। कुरान मौजूद, मासूम इंसान मौजूद, और इस इंसान की मदद करने वाले भी मौजूद। करबला में मौजूद थे या नहीं थे? सब मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद भी क्या मसला हुआ? निजाम आदलाना कायम नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि निजाम लोगों के लिए होता है, किसी फर्द के लिए नहीं होता। गौर फरमाइएगा, यहां से मैं नतीजा लेना चाह रहा हूं, अब तक जो मैंने गुफ्तगू की है उसका नतीजा आपके सामने पेश करना है। निजाम और सिस्टम किसी एक फर्द के लिए नहीं होता है, बल्कि पूरे माशरे के लिए होता है। अगर किसी माशरे में हमें किसी सिस्टम और निजाम को लागू करना है तो उसकी एक अहम शर्त यह है कि जिन लोगों पर वो निजाम लागू किया जा रहा है वो खुद आके कबूल करें कि हमें इस निजाम में जिंदगी करना है। ये चौथी शर्त है, यानी लोगों का आके कबूल कर लेना। अगर लोग कबूल ना करें, किसी साहब ने कहा ये बताइए कि अल्लाह की ताकत ज्यादा है या लोगों की ताकत ज्यादा है, तो आपको ये लगेगा कि सामने वाले ने जवाब दिया होगा कि भाई अल्लाह की ताकत ज्यादा है। उसने कहा जी नहीं, पब्लिक की ताकत ज्यादा है। कहा ये कैसे? कहा अल्लाह ने पूरा जोर लगा लिया कि नबी के बाद अली खलीफा बन जाए, लेकिन लोगों ने नहीं चाहा तो नहीं बन पाए। अजीजों, ये बारीक मसला है जिसे हम नहीं समझ पाते। हमारा इरादा, हमारी चाहत, हमारा सिस्टम को कबूल करना एक अहम शर्त है किसी भी निजाम को कायम करने के लिए। इसीलिए अगर हम और आप ना चाहें, पूरी दुनिया चाह ले नहीं हो सकता। अगर बाप चाह ले, टीचर चाह ले, मां चाह ले, दोस्त चाह ले कि बच्चा सुधर जाए, लेकिन वो खुद अगर इरादा ना करे तो कोई उसे नहीं सुधार सकता। ये एक अहम शर्त है, जब तक हम खुद इरादा ना करें कि हमें आदलाना हुकूमत चाहिए। 1200 साल तो कम है, 12000 साल गुजर जाएंगे, हुकूमत आदलाना कायम नहीं हो सकती। ये अहम शर्त है। आप देखें क्या मदीने वालों ने चाहा? अगर मदीने वाले ये चाह लेते कि अली जैसे आदिल इंसान की हुकूमत हो, तो आप बताएं कौन उन्हें रोक सकता था? हर जमाने के लोग अगर चाह लेते। मसला यहां पे आके अटक जाता है कि हमें यह देखना पड़ता है कि हम जो दुआ कर रहे हैं हकीकत में उस मसले को चाहते भी हैं या नहीं। और सिर्फ हमारे और आपके चाहने से नहीं होगा। मसला अजीब है ये। क्या आप जो सोचेंगे हाँ भाई शिया तो चाहते ही हैं? नहीं, सिर्फ शियों के चाहने से नहीं होगा मसला हल। क्यों? क्योंकि वो निजाम तन्हा शियों के लिए नहीं है, वो निजाम पूरी दुनिया के लिए है। तो जब तक पूरी दुनिया ये नहीं चाहेगी कि आदलाना निजाम कायम हो, इमाम मौजूद होगा लेकिन जुहूर कभी नहीं होगा। आप कहेंगे कबला हम चाह लें, दूसरों से हमारा क्या रब है? कहा अब समझ में आया कि इस्लाम में अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर की अहमियत क्या है। अब समझ में आया कि इस्लाम क्यों कहता है कि तुम्हें दूसरों के लिए नमूना अमल बनना है।
अब समझ में आया इस्लाम क्यों आवाज देता है कि कूनु लना ज़ीना वला तकूनु अलैना शैया। देखो हमारे लिए जीनत बन के जिंदगी बसर करना, हमारे लिए कोई उंगली उठाने वाली हरकत करके जिंदगी मत करना। तो ये चौथी शर्त बहुत अहम शर्त है। आज अगर दुनिया वाले इस बात का इरादा कर लें, अक्सरियत दुनिया की इस बात का इरादा कर ले कि हमें एक आदलाना निजाम चाहिए, खुदा पे वाजिब है कि ऐसे निजाम को कायम करने वाले को भेज दे। क्योंकि तो ये हो नहीं सकता कि प्यासा पानी तलब करे, खुदा देना चाहे और ना दे। शायद हम और आप, अब यहां से माजरत के साथ एक दो तलख बातें भी हो जाएं, शायद हम और आप आके ये कहेंगे कि कुबला हमने तो अपना किरदार अदा कर दिया, अब मैं अपने मौजू पे आया हूं, हम तो अदालत ही चाहते हैं, हम तो अदालत के पैकर हैं, हम अदालत नहीं चाहेंगे तो कौन चाहेगा। तो आइए पलट के देखते हैं कि अदालत का माना क्या था और हमारा किरदार यहां पर क्या है। का अदालत का माना यह था कि हर शय को उसके मकाम पर रखा जाए, यह अदालत का माना है। आए हम और आप अपनी जिंदगी में एक बार पलट के देखें कि हमारा रिश्ता अपने रिश्तेदारों के साथ आदलाना है या नहीं है, हमारा बर्ताव अपने पड़ोसियों के साथ आदलाना है या नहीं है, औलाद का राबता अपने वालदैन के साथ आदलाना है या नहीं है, वालदैन का राबता अपने बच्चों के साथ आदलाना है या नहीं है, दोस्तों का एक दूसरे के साथ मिलना आदलाना है या नहीं है। जब तक ये तमाम रवाबित आदलाना नहीं हो जाएंगे, ये समझ में कैसे आएगा कि हम आदलाना हुकूमत चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? कैसे समझ में आएगा? आदलाना हुकूमत का मतलब क्या होता है? आदलाना हुकूमत का मतलब ये नहीं होता है कि हमारी चाहत से बांटा जाए। आदलाना हुकूमत का मतलब यह होता है कि जो जिसका हक है वो उसे दिया जाए। आज अगर इसी निजाम पे हम काम करना शुरू कर दें तो आप बताएं नतीजा क्या निकलेगा, आप बताएं क्या नतीजा निकलेगा। क्योंकि आज हमारा चुनाव अदालत के मेहवर पे नहीं होता है, पसंद के मेहवर पे होता है। हम वो चुनते हैं जो हमें पसंद होता है, हम वो नहीं चुनते हैं जो अदालत के मुताबिक होता है। जब तक कि हमारा मिजाज नहीं बदलेगा, जब तक कि हमारे एहसास नहीं बदलेंगे, जब तक कि हमारा इल्म नहीं बदलेगा, जब तक कि हमारी आदत नहीं बदलेगी, तब तक ये निजाम कायम ही नहीं हो सकता है। आदत पसंद करने की है, निजाम आदलाना मांग रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है? कहा देखो तुम्हें जो पसंद है हम उसी के एतबार से चलेंगे, लेकिन जिस दिन तुम अपनी पसंद को बदल दोगे, जिस दिन तुम अपनी आदतों को बदल दोगे, तुम आदतों को बदल के दिखाओ, हम आज जुहूर का हुक्म दिया देते हैं। दुरूद पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। कहा यह तुम्हारे ऊपर मसाला टिका हुआ है, तुम्हारे ऊपर यह मसला टिका हुआ है। और अगर आपको लगे कि मसला ऐसा है, जीने आप देख लीजिए, जंगे सिफीन है, दोनों लश्कर एक दूसरे के सामने मौजूद हैं। एक मर्तबा जब लश्कर कुफर को यह एहसास होता है कि अब हार पक्की है, तो आके मशवरा किया जाता है क्या करें। का कुछ नहीं, कुरानों को मेजे के ऊपर उठा दो और कहो हमारे और तुम्हारे दरमियान कुरान फैसला करेगा। अब समझ में आया कुरान फैसला करेगा? जब जंग शुरू की थी तब समझ में नहीं आया था, जब इतने लोग कत्ल हो गए तब समझ में आया। तो पता यह चला कि यह कुरान भी सियासी हवाले से उठाया जा रहा है, इंसानियत के हवाले से नहीं उठाया जा रहा है। कुरान उठाया गया, अब लश्कर में अफरा तफरी हो गई। कुछ लोग मौला बार बार फरमा रहे हैं, ये तारीखी वाकयात
पढ़ने के लिए नहीं होते हैं, इबरत लेने के लिए होते हैं। मौला बार बार कह रहे तुम्हें नैज़े में कुरान दिखाई दे रहा है, बोलता हुआ कुरान नहीं दिखाई दे रहा है, तुम्हें कागज पर लिखा हुआ कुरान दिखाई दे रहा है, जो कुरान मुजस्सम है वो नहीं दिखाई दे रहा है। क्या नबी ने नहीं कहा अली माल कुरान वल कुरान मा अली, क्या अली ने आयात की तफसीर नहीं की, क्या अली ने नहीं बताया मुहकम क्या है मुतशाबे क्या है, क्या अली ने रात में सो के परवरदिगार की मर्जी को नहीं खरीदा। अगर तुम्हें कुरान पे अमल ही करना है तो आओ अली के हुक्म पर अमल करो, अली का हुक्म कुरान का हुक्म होता है, कुरान का हुक्म अली का हुक्म होता है। दुरूद पढ़े दर मोहम्मद और आले मोहम्मद। लेकिन लोगों की समझ में नहीं आया, कहा अब क्या होगा, कहा अब तो हकमियत है। अब यहीं पे इस तारीखी मोड़ के बारे में गौर करिए, क्या मौला चाहते थे कि जंग सिफीन का फैसला हकमियत के जरिए हो? आप तारीख देखिए, चाहते थे? कभी नहीं चाहते थे। मौला तो बार बार कह रहे थे आगे बढ़ो जंग करो, और उधर से कुरान के सामने पेश किया जा रहा था। लेकिन नतीजा क्या हुआ, मुझे इस नतीजे से काम है, आप बताए क्या हुआ? मुसलमानों ने जंग की या हकमियत को कबूल किया? हकमियत को कबूल किया या नहीं किया, यह तारीखी वाकया गवाह है। होता वो है जो पब्लिक चाहती है, यानी अगर इमाम मासूम भी मौजूद हो, कुरान भी मौजूद हो, मालिक अश्तर जैसे अंसार भी मौजूद हो, लेकिन अगर लोग खुद अपनी हिदायत ना चाहे तो हिदायत कभी नहीं हो सकती है। हिदायत तब होती है जब इंसान खुद हिदायत का इरादा करता है। अगर इंसान खुद अपनी हिदायत का इरादा ना करे तो परवरदिगार कभी उसकी हिदायत का इंतजाम नहीं करता। इसीलिए कुरान आवाज देता है मा युगय्यिरुल्लाहु बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, परवरदिगार उस कौम के हालात को कभी नहीं बदलता है जो खुद अपने हालात को बदलने का इरादा ना कर ले। वो कौम जो खुद अपने हालात को बदलने का इरादा ना कर ले, परवरदिगार भी उसकी कोई परवाह नहीं करता है। तो अब आइए देखिए इस आदलाना हुकूमत को बनाने में हमारा और आपका क्या किरदार है। हमारा अजीम किरदार है, हमारा किरदार यह है कि अपना मिजाज आदलाना बनाएं, हमारा किरदार यह है अपनी गुफ्तगू आदलाना बनाएं, हमारा किरदार यह है हमारी आंखों की नजर आदलाना होना चाहिए, हमारा किरदार यह है कि हमारा बर्ताव एक दूसरे के साथ आदलाना होना चाहिए। जिस दिन अदालत का पैकर बनने की कोशिश करेंगे, परवरदिगार अदालत के पैकर को जरूर भेज देगा। हमें शुरू करना पड़ेगा। यह अजीब बात है, मैं आपको मिसाल दूं। दो नवाब हो और यहां दरवाजे से बाहर निकलना हो, खैर यहां तो दरवाजा बड़ा है, दो लोग एक साथ निकल सकते हैं। फर्ज कीजिए दरवाजा छोटा है, एक ही आदमी एक टाइम में जा सकता है और दोनों बुजुर्ग हैं। एक बुजुर्ग आगे बढ़ते हैं, कहते कितना पहले आप, दूसरे क्या कहते हैं, नहीं कितना पहले आप। अगर दोनों हकीकी माना में कह रहे हैं कि जब तक आप नहीं जाएंगे मैं नहीं जाऊंगा, और दूसरा वाला क्या कह रहा है जब तक आप नहीं जाएंगे मैं नहीं जाऊंगा, आप बताएं इसका नतीजा क्या होगा? आपको लग रहा है बहुत सादी सी मिसाल है ना, ये सादी सी मिसाल नहीं है, ये कौम की हकीकत को बयान कर रही है। दरवाजे के उधर रोशनी है, दरवाजे के इधर अंधेरा है। ये उनसे कह रहे हैं पहले आप, वो इनसे कह रहे हैं पहले आप, तो नतीजा ये निकल रहा है कि दोनों अंधेरे में खड़े हैं, रोशनी में जा ही नहीं पा रहे हैं, मसला हल नहीं हो सकता, मगर ये कि एक इनमें से कोई पीछे हटे। आप बताएं अगर इन दोनों अफराद में कोई अपनी बात से पीछे ना हटे, वह नहीं कबला जब तक आप नहीं आएंगे मैं कैसे चला जाऊंगा, बुनियादुल्ला जब तक आप नहीं आएंगे मैं कैसे चला जाऊंगा, नतीजा क्या निकलेगा? ये भी खड़े हैं वो भी खड़े हैं, और अगर पब्लिक इनके इंतजार में खड़ी है कि ये जाए तो हम जाए, तो उस पब्लिक का क्या होगा?
उस पब्लिक का यही होगा कि वो भी इंतजार में खड़ी रहेगी। अजीब मसला यही हो गया है। हम ये कहते हैं मौला आप आइए तब हम सुधरेंगे, मौला कहते हैं तुम सुधरो तब हम आएंगे। ये मसला मेरे आप और आपके आप का हो चुका है। क्यों? क्योंकि मौला ये देखते हैं तुम अदालत को कबूल करने के लिए अभी तैयार ही नहीं हुए हो। अगर अली की जुल्फकार चलेगी तो सबसे पहले मुखालफत तुम ही करने लगोगे। तो पहले तुम्हें अपना मिजाज आदलाना मिजाज बनाना पड़ेगा, पहले तुम्हें अपनी गुफ्तार को आदलाना गुफ्तार बनाना पड़ेगा, पहले तुम्हें अपनी रफ्तार को आदलाना रफ्तार बनाना पड़ेगा, पहले तुम्हें दुनिया में यह पैगाम देना पड़ेगा कि देखो जब तक अदालत की चाहत जिंदा नहीं होगी तब तक अदालत को कायम नहीं किया जा सकता है। हमारा बहुत बड़ा किरदार है और हम ये समझते हैं कि नहीं मौला आइए इंशाल्लाह पाएंगे सब सही हो जाएगा, बेशक सही हो जाएगा, लेकिन सबको सही करने के लिए पहले हमें सही होना पड़ेगा। ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि शराइत ज़ुहूर में परवरदिगार ने इस बात को रखा है। आप देखें एक दीवार गिर गई घर की, अब जब दीवार गिरेगी तो दोबारा बनाई जाएगी या नहीं बनाई जाएगी? दीवार बनती जरूर है लेकिन वहां से नहीं बनती है, एक बालिश आगे से। भाई ये किसने आपको हक दिया था एक बालिश आगे बढ़ जाइए? तो जो इतना अपने एहसासात पे कंट्रोल ना रखता हो है, जिसे अभी अपने एहसास पे इतना कंट्रोल ना हो कि अपनी जिंदगी में आदलाना काम कर पाए, वो आदलाना इमाम की निगाहों को कैसे कबूल कर पाएगा? कैसे कर पाएगा? जो जोदा का नाम आपने सुना होगा, मसीही इंसान है, वो कहता है मैंने 200 मरतबा नहजुल बलागा को शुरू से आखिर तक पढ़ा है। शिया नहीं है, मुसलमान नहीं है, मसीही है। 3 जिल्द उसने किताब लिखी है, अस्सौतुल अदालतुल इंसानिया, इंसानियत की अदालत की आवाज, अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलातो वस्सलाम। वो कहता है या अली अगर मैं आपको ईसा कह दूं तो मेरा मजहब मुझे इजाजत नहीं देता, और अगर मैं आपको ईसा से कम कह दूं तो मेरी अक्ल मुझे इजाजत नहीं देती, मैं हैरान हूं आपको क्या कहूं। 200 बार वो नहजुल बलागा का मुताला करके लिखता है, एक जुमला लिखता है, उसकी किताब के पीछे मामले में एक जुमला छपता है कि जिस चीज में अली की शहादत का सबब बनी जो चीज वो मौला की अदालत है। मौला ने जब हुकूमत को संभाला तो वक्त आया कि बैतुल माल को तकसीम किया जाए। मौला अब इस 25 साल में तो बैतुल माल का निजाम ही बदल चुका था, क्योंकि 25 साल में जो बैतुल माल बंटता था वो अदालत पे नहीं बंटता था, वो रिश्तेदारियों पे बंटता था। कौन कितना करीब है इसे देख के बांटा जाता था। जब अदालत के पैकर ने हुकूमत को संभाला तो कहा सबको बराबर से बांटो, सबको बराबर से बांटा गया। आपको पता है सबसे पहले एतराज लेके कौन आया? सबसे पहले एतराज लेके कोई बच्चा नहीं आया, सबसे पहले एतराज लेके तलहा और जुबैर आए। ये तलहा और जुबैर कौन है? ये तलहा और जुबैर वो है जो अली की घर में के घर में नबी की वफात के बाद अली से दफा कर रहे हैं। 25 साल में जमाना कितना बदल गया। जो अपनी जान की बाजी लगाया था अली को बचाने के लिए, आज वो अली अलैहिस्सलाम के काम पे एतराज कर रहा है। कहे अली हमें भी आपने उतना ही दिया जितना इस इंसान को जो अभी इस्लाम लेके आए उतना दिया। कहा देखो सब इस हवाले से बराबर हो,
اور اگر تم اسلام تم نے اسلام پہلے خدا کے لیے قبول کیا ہے تو اس کا جو بھی حصہ ہے جو بھی معاوضہ ہے وہ تم خدا سے لینا. کہ یا علی, جیسے انہیں آ کے اعتراض کیا, یہ اہل سنت نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے, آئے دونوں پہنچے مولا سے آگے اعتراض کیا, کہ یا علی آپ نے ہمیں بھی اتنا ہی دیا جو ابھی دو دن کا اسلام لائے ہوئے انسان کو آپ نے دیا. کہا کیوں؟ کہا یہ بتاؤ میں نے خود بیت المال سے کتنا لیا. کہا میں پہلے اسلام لایا ہوں یا تم؟ تم مجھ سے پہلے تو اسلام نہیں لائے ہو, لیکن میں نے اپنا بھی حصہ اتنا ہی رکھا ہے جتنا تمہارا رکھا ہے. کہا یا علی ہم نے اسلام کے لیے بہت تلوار چلائی ہے, بہت خون اور پسینہ بہایا ہے. مولا مسکرائے, کہا یہ بتاؤ تلوار بیت المال کے لیے چلائی ہے یا پیسوں کے لیے چلائی تھی, اور تلوار میں نے زیادہ چلائی ہے یا تم نے زیادہ چلائی ہے؟ جب عدالت کی آواز بول رہی تھی تو پھر کسی منہ میں زبان نہیں تھی کہ پلٹ کے جواب دے دے. مولا نے اسی وقت آ کے فیصلہ لیا. عدالت کا زبان سے بولنا آسان ہے لیکن عدالت کو قبول کر لینا بہت اہم مسئلہ ہے. اتنا آسان نہیں ہوتا ہے عزیزوں کہ انسان آ کے اپنا مزاج بدل دے. آج آپ دنیا میں دیکھیں اتنے سالوں میں دنیا نے طرح طرح کی حکومتوں کا امتحان لیا. سیکولر نظام آیا, دینی نظام آئے, طرح طرح کے نظام دنیا میں آئے اور چلے گئے, لیکن دھیرے دھیرے دنیا اس بات کو سمجھ رہی ہے کہ عام انسان عدالت کے حساب سے کوشش تو کر سکتے ہیں لیکن عادلانہ نظام قائم نہیں کر سکتے. یہ آج دنیا میں سمجھداری بڑھ رہی ہے. آج دیکھیں کیوں اعتراض ہوتا ہے, آج وائٹ ہاؤس کے آگے کھڑے ہو کے کیوں لوگ اعتراض کرتے ہیں, آج خود یہودی کیوں آ کے اسرائیل پر اعتراض کرتے ہیں. آپ دیکھیں ابھی یہ جو رشیا نے حملہ کیا تو رشیا کے حملے کے بعد بہت سے لوگ اس ملک سے باہر نکلے, تو اس میں مسیحیوں کے ساتھ یہودی بھی تھے. اسرائیل نے اعلان کیا کہ جتنے بھی یہودی ہیں یوکرائن میں ہم انہیں قبول کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوئے. کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ تمہارا نظام عادلانہ نظام نہیں ہے. دنیا سمجھ رہی ہے دھیرے دھیرے اس بات کو کہ آج جو دنیا میں حکومتیں ہیں ان کا نظام مال و دولت کے اوپر ٹکا ہوا ہے. یہ سامنے کچھ کہتے ہیں پیچھے کچھ کرتے ہیں. یہ اگر عدالت کو سمجھتے ہیں تو انہیں پہلے اپنے وجود میں عدالت کو اتارنا چاہیے. عزیزوں ہماری ذمہ داری بہت زیادہ ہے. اگر ہم آ کے اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس دنیا میں عدالت کا پرچم پھیلانے والا ہم میں سے ہے, اگر ہم اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ وہ پیدا ہو چکا ہے, اگر ہم اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی عدالت قائم نہیں کر سکتا ہے, تو سب سے پہلے ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا. ہم کسی کا انتظار نہیں کر سکتے. دنیا کا کوئی فرقہ عدالت محور ہو یا نہ ہو, ہمیں سب سے پہلے ہونا پڑے گا. ہمیں سب سے پہلے یہ کام کرنا پڑے گا اور سب سے پہلے اپنی چاہتوں کو سدھارنا پڑے گا, اپنے جذبات کو قابو میں کرنا پڑے گا. آج دیکھیں چھوٹے چھوٹے مسائل کے اوپر ہم عدالت کے خلاف قدم اٹھا دیتے ہیں. چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کر
हमारा फैसला अदालत के खिलाफ हो जाता है। जब तक के ये मिजाज आदिलाना नहीं बनेगा तब तक निजाम आदिलाना नहीं बनेगा। आदिलाना निजाम कायम करने के लिए पहले मिजाज की जरूरत होती है। तारीख हमारे लिए हुज्जत है। मैं एक बार फिर से पलट रहा हूं, मिसाल को दोबारा दे रहा हूं आपकी खिदमत में, तारीख हुज्जत है। अमीर शाम जहन्नम वासिल हुआ, लोगों को खबर पहुंची। जब तक लोगों को खबर पहुंची तब तक मौला मदीने से निकल चुके थे और मक्के के रास्ते में थे। जब तक मौला मक्के पहुंचते पूरी ममलिकत इस्लामी में यह खबर पहुंच गई कि अमीर शाम मर चुका है। अब फौरन लोगों को तलाश किस बात की हुई कि फिर इसके बाद किसे हाकिम बनाया जाए। सबकी नजर कहां जाके टिकी? सबकी नजर एक इंसान पे जाके टिकी और उस इंसान का नाम था हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम। सबकी नजर वही टिकी या नहीं टिकी? आप गौर फरमाए, सबसे कम तादाद जो तारीख में लिखी है वो है 12,000 खत। सबसे कम तादाद, ज्यादा की नहीं बात कर रहा हूं, कम की बात कर रहा हूं। 12,000 खत और एक खत के पीछे कितने लोग हैं? एक खत के ऊपर अगर 5 लोगों ने साइन किया है इसका मतलब यह कि 5 कबीले इस खत को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप बताएं कोई बचा था जो सपोर्ट ना कर रहा हो? इतनी बड़ी तादाद ने आके सपोर्ट किया। कमाल आई, हम आदलाना हुकूमत बनाने के लिए तैयार हैं। अब देखें, 3 शर्तें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जमाने में पूरी हो गई थी। आदलाना कानून मौजूद, आदिल इमाम मौजूद, आदिल असहाब मौजूद, बस चौथी शर्त तो बची थी। जैसे ही चौथी शर्त पूरी हुई इमाम कूफे की तरफ चल दिए, क्योंकि कानून परवरदिगार को बदला नहीं जा सकता। क्योंकि इमाम जाहिर पे आके अमल करते हैं, इनमें गैब पे अमल नहीं करते हैं। इमाम ने कहा ठीक है, अगर तुम अपनी चाहत का इजहार कर रहे हो तो हम भी आके बता रहे हैं कि हम तुम्हारी आवाज में लब्बैक कहते हैं। मौला ने जब मक्के को छोड़ा तो मकसद क्या था? मकसद कूफाई तो था। पहले अपने भाई को भेजा, जनाबे मुस्लिम को भेजा कि जाइए बैत ले लीजिए। ये मौला क्या सिखा रहे हैं? ये मौला हमें और आपको सिखा रहे हैं कि देखो आदलाना निजाम कैसे कायम होता है, कैसे आदलाना निजाम कायम होता है। लेकिन क्योंकि चौथी शर्त में कमी थी, 3 शर्तों में कोई कमी नहीं थी। पहली शर्त आदलाना किताब कानून, कोई कमी नहीं थी। दूसरी शर्त आदिल इमाम, कोई कमी नहीं थी। तीसरी शर्त आदिल असहाब, कोई कमी नहीं थी। चौथी शर्त में मसला टिका हुआ था। अजीजों, करबला के बाद से आज तक इसी चौथी शर्त पे ही मसला टिका हुआ है। क्योंकि पीछे नहीं पलटेगा मामला, अगर 3 शर्तें हो चुकी है तो हो चुकी है, ये चौथी शर्त पर मामला टिका हुआ है। ये इंसान कब जागेगा? ये इंसान कब समझेगा कि परवरदिगार हमारे निजाम के लिए आके रुका हुआ है? परवरदिगार इस बात पे रुका हुआ है, तुम्हारी चाहत कब आदिलाना होगी ताकि हम अदल के पैकर को भेज दें। क्योंकि जब तक कि ये मसला अपनी जगह से हल नहीं होने वाला अजीजों, इसीलिए मैंने अर्ज किया कि जुहूर होगा नहीं, जुहूर करवाना पड़ेगा। जुहूर एक इख्तियारी मसला है। जुहूर का मतलब ये नहीं है कि हम और आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं, इंशाल्लाह आएंगे, इंशाल्लाह आएंगे नहीं। इमाम
किस बात का इंतजार कर रहे हैं। आखिरी बात आपके हिम्मत में अर्ज कर दूं, अरबी जबान में बहुत बारीकियां हैं। एक जबर और जेर से माना बदल जाता है, इसीलिए कहते हैं कि कुरान को सही से पढ़ना चाहिए। दो लफ्ज हैं अरबी में, एक है मुंतजिर और एक है मुंतजर। जबर और जेर का ही तो फर्क है। मुंतजिर कहते हैं जो इंतजार कर रहा है, और मुंतजर कहते हैं जिसका इंतजार किया जा रहा है। बहुत सीधे से अल्फाज है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कबला आज मुंतजिर कौन है, मुंतजर कौन है, आप क्या जवाब देंगे? तो जवाब तो यही हुआ कि भाई हम मुंतजिर हैं और इमाम मुंतजर हैं। अब जो मिसाल दूंगा उसके नतीजे में देखते हैं हकीकी माना में मुंतजिर कौन है, मुंतजर कौन है। अगर हम और आप बस 5 से 6 मिनट मेरे साथ रहिए ताकि मैं नतीजा लेके बात को खत्म करूं। अगर हम और आप अपने घर पे किसी मेहमान को बुलाएं, हमारा इंतजाम आने वाली शख्सियत के एतबार से होगा। अगर आने वाला कोई बहुत ऐसा ही रिश्तेदार है मामूली तौर पर, तो हम कभी कभी तो चाय का भी इंतजाम नहीं करते, हमें तो रोज आ जाते हैं, कितनी बार चाय का इंतजाम करें। और अगर कोई थोड़ा सा बड़ा मेहमान है तो वैसे ही इंतजाम हो। अगर आपसे कहा जाए कि भाई नजफ से मर्जे वक्त आ रहे हैं, तो आप बताएं कि भावनगर वाले कैसा इंतजाम करेंगे, अब तो सभी लग जाएंगे। कबला ये पूरा शहर की तैयारी कर रहा है का आने वाला बड़ा अजीम है। अब यहां पर दो सूरतें हैं, तो इंतजाम मेहमान की हैसियत को देख के किया जाता है, जैसा मेहमान होता है, क्योंकि फर्ज यह कि जैसा होगा वैसे हम तैयारी कर सकते हैं, खुदा ने हमें इतनी सलाहियत दी है। तो पहले तो इसी मसले को हम बड़ा हल करें कि जिसको बुलाने के इंतजार में हम बैठे हुए हैं उसके लिए हमने तैयारी कितनी कर रखी है। बुला रहे हैं ऐसे इंसान को कि जिसकी जबान अल्लाह की जबान, जिसकी आंख अल्लाह की आंख, जिसके हाथ अल्लाह के हाथ, जिसका इरादा अल्लाह का इरादा, जो मजहरे सिफाते परवरदिगार है, कायनात की अजीम तरीन हस्ती है, आने वाला इतना अजीम है, हमारा इंतजाम कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। अब इसी इंतजाम में दो रुख होते हैं। एक रुख यह है कि मेहमान के आने से पहले हमने और आपने इंतजाम पूरा कर लिया है, हर चीज अपनी जगह पर है, तो अब जो मेजबान होगा उसकी क्या कैफियत होगी? बड़े सुकून से होगा। क्यों? ये सुकून बता रहा है कि इंतजाम पूरा हो चुका है, हर चीज अपनी जगह के ऊपर है, कोई मसला नहीं है, मेहमान जब आएगा आ जाए, हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। लेकिन अब इसका दूसरा रुख देखिए आप, अगर जिम्मेदारी पूरी नहीं हो पाई है, इंतजाम पूरा नहीं हो पाया है, तो अब मेजबान की कैफियत क्या होगी? परेशान होगा या नहीं होगा? चलता हुआ आपको नजर आएगा, आप अगर बात करेंगे तो वो सीधे मुंह जवाब नहीं देगा, क्या हुआ? अरे भाई मेहमान आने वाले हैं, अभी इंतजाम नहीं हुआ है? अभी जो इस मजलिस के बाद तकरीब है उसके मुंतजमीन यहीं पर बड़े इत्मीनान से बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है इंतजाम पूरा है, जो हमें करना है वह है। और अगर यह इंतजाम पूरा ना होता तो खुद ही फर्श आजादे से गायब होते, इसको खून मिला रहे हैं, उसको खून मिला रहे हैं, हम आप कहां रह गए भाई, आप कहां रह गए, आप अभी तक के नहीं आए, ये काम अभी तक के पूरा नहीं हुआ। तो मेजबान की दो सूरतें होती हैं, एक तैयारी पूरी करने के बाद और एक तैयारी पूरी करने से पहले। अब ये हमें और आपको फैसला लेना है,
अगर हम अपने खाने दिल को पूरी तरह से तैयार कर चुके हैं मेजबान के आने के लिए, तो फिर हमें हक मिलता है कि सुकून की जिंदगी करें। लेकिन अगर अभी तैयारी पूरी नहीं हुई है, अगर अभी हमारे वजूद में अदालत नहीं आई है, तो फिर हमें इत्मीनान की कोई इजाजत नहीं है। बल्कि हर वक्त हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि मौला हम किस तरह से अपने आप को संवार ले, ताकि अगर आप आए तो इंतजाम पूरा हो चुका हो। दुरूद पढ़े बल मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अगर हकीकी मामले में देखा जाए तो इंतजाम तो हमें करना है, तैयारी तो हमें करना है, आमादगी तो हमें करना है, उसको नहीं आमादगी करना है। क्योंकि वो तो पैदा ही मासूम हुआ है, वो तो अली का लाल है, उसे कोई तैयारी नहीं करना है। उसकी तैयारी तो 1200 साल पहले जैसी थी वैसी अब भी है। तो हकीकी माना में जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। अब अजीजों आइए माना करते हैं, तो इंतजार कौन कर रहा है? इंतजार हकीकत में हम और आप नहीं कर रहे हैं, इंतजार जो पर्दे में इंसान है वो कर रहा है, वो हमारा इंतजार कर रहा है। हकीकत में वो मुंतजिर है, हम मुंतजर हैं। हकीकी माना में वो रोज उठ के आवाज देता है, ऐ मेरे चाहने वालों, कब अदालत की चाहत अपने दिलों के अंदर उजागर करोगे? ऐ मेरा कलमा पढ़ने वालों, कब अदालत को कबूल करने के लिए अपने आप को तैयार करोगे? ऐ मेरे नक्शे कदम पे चलने का दावा करने वालों, कब अपनी जिंदगी को ऐसे मोह पिला के खड़ा करोगे कि हर देखने वाला ये समझ जाए कि तुम अदालत चाहते हो? बहुत अजीम जिम्मेदारी है अजीजों हमारे ऊपर, और इस अजीम जिम्मेदारी को निभाना जरूरी है। हम अगर आज निभा लें तो कल सूरज बाद में निकलेगा, जहूर पहले होगा। और ये एक फर्दी मसला नहीं है। मैंने जो आयत पढ़ी, अब उसका तर्जुमा करके बात को खत्म करता हूं। खुदा क्या कह रहा है? सूरह मुबारक सबा आयत नंबर 46, कुल ऐ नबी इसे कह दीजिए, इन्नमा आयदुकुम बिवाहिदा, परवरदिगार सिर्फ तुम्हें एक नसीहत कर रहा है बस। यानी कुरान की ये एक नसीहत पूरे कुरान का खुलासा है, एक नसीहत। इन्नमा, इन्नमा के साथ मैंने परसों अर्ज किया था आपकी खिदमत में कि इन्नमा यानी हस्र, लफ्ज इन्नमा से हमारा आप तो बहुत अच्छी तरह आशना है। आए तफहीर में कौन सा लफ्ज पढ़ते हैं? इन्नमा ही तो पढ़ते हैं, वही तो इन्नमा आया है। तो हमें हक थोड़ी है कि एक जगह एक तरह से माना कर दे, दूसरी जगह दूसरी तरह से माना करें। भाई जैसे माना आए तफहीर में होगा वैसे माना इस आयत के अंदर होगा। इन्नमा आए वकुम बेवाहिदा, फकत और फकत परवरदिगार एक नसीहत करना चाहता है बस। परवरदिगार तेरी वो एक नसीहत क्या है? वो ये है, अंतकूमो लिल्लाह, अल्लाह के लिए खड़े हो जाओ, अपने लिए नहीं अल्लाह के लिए। यानी तुम्हारे मालो दौलत कमाना अल्लाह के लिए होना चाहिए, तुम्हारा हर काम अल्लाह के लिए होना चाहिए। बस एक नसीहत अल्लाह करना चाहता है, तुम अपने आप को तौहीद के पैकर में ढांक दो, तौहीद को कायम करने वाले को हम भेज देंगे। अंतकूमू लिल्लाह, अल्लाह के लिए खड़े हो जाओ। देखो, खुदा के अलावा किसी और पे भरोसा ना करना, अपने हर काम में अल्लाह को नजर में रखना। अगर परवरदिगार को खुश कर दिया तो पूरी दुनिया नाखुश रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर परवरदिगार नाराज हो गया पूरी दुनिया तुमसे खुश हो जाए कोई फायदा नहीं होगा। अंतकूमू लिल्लाह, और फरमाइएगा, लफ्ज तकलूमू आया है। लफ्ज तकलूमू कहां आता है? नमाज के लिए आता है। कयाम यानी बरपा करना, बैठने का जमाना नहीं है अजीजों, खड़े होने का जमाना है। परवरदिगार आवाज दे रहा है, अंतकूमू लिल्लाह,
अल्लाह के लिए तुम्हें खड़ा होना है। कैसे खड़ा होना है? मसना व फुरादा। अब चाहे ग्रुप बना के खड़े हो और चाहे अकेले खड़े हो, कुरान की ताबीरात बड़ी अजीम होती हैं। खुदा कह सकता था अंतकुमु लिल्लाह फुरादा व मसना, लेकिन पहले मसना का लफ्ज लेके आया, बाद में फुरादा का लेके आया। यानी पहले जिम्मेदारी यह है कि समाजी तौर के ऊपर खड़े हो। अगर समाज तुम्हारा साथ ना दे तो यह ना समझना जिम्मेदारी खत्म हो गई है, फिर तुम्हारी जिम्मेदारी यह है कि अकेले खड़े हो। अंतकुमु लिल्लाह, अल्लाह के लिए आके कयाम करो, अल्लाह के लिए आके अदालत को अपने वजूद में उतारो। और यह काम तुम्हारा मसना भी होना चाहिए, जमात के साथ भी होना चाहिए और फुरादा भी होना चाहिए। और इस बात का ख्याल रखना सुम्मा ततफक्करून, बस बात खत्म, सुम्मा ततफक्करून। लेकिन तुम्हारा यह खुदा के लिए कयाम जज्बाती नहीं होना चाहिए, आकलाना होना चाहिए, गौर फिक्र के साथ होना चाहिए, यह समझ के होना चाहिए कि कब बोलने का जमाना है, कब चुप रहने का जमाना है, कब काम करने का जमाना है, कब इस तरह से निकलने का जमाना है। ये जब तक समझोगे नहीं तब तक के कमाल नहीं पाओगे। अंतकुमु लिल्लाह मसना व फुरादा, सुम्मा ततफक्करून, फिर आके गौर व फिक्र करो कि तुम्हारी जिम्मेदारियां क्या है। इसीलिए मेरे मौला ने जब अपने अंसार के बाद बनी हाशिम की कुर्बानी देने के लिए चुना, आज आप देखें कयाम फुरादा हो या मसना, आज हम और आप बड़े सुकून से यहां पे बैठे हुए आजादारी भी कर रहे हैं, प्रोग्राम भी कर रहे हैं। ये एक उस इंसान की देन है, खुदा गरीब रहमत करे हाजी गुलाम हुसैन साहब को, कि जिनकी वजह से आज ये ऐसा मरकज कायम हो। आज उनकी वफात की तारीख है, परवरदिगार उनके दर्जात को बुलंद करे। एक मरतबा उनकी रूह की तरवीह के लिए सलवात पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। वो इंसान इसी आयत का मिसबाक है, अंतकुमु लिल्लाह, वो अल्लाह के लिए खड़ा हुआ। कहा देखो अगर कोई साथ नहीं देगा तब भी मैं अकेला अल्लाह के लिए खड़ा हो जाऊंगा। और जो परवरदिगार के लिए खड़ा होता है परवरदिगार उसका पूरा साथ देता है। परवरदिगार ने उसको ऐसा जिंदा रखा कि आज हुसैन के नाम के साथ उसका नाम लिया जाता है, आज आजादार उसका नाम लिया करते हैं, आज अली के चाहने वाले उसका नाम लिया कर सकते हैं। तो अजीजों, परवरदिगार किसी के अज्र को जाया नहीं होने देता। आप देखें अगर इंसान सोचता है इमारत ही तो है, का नहीं, ये देखने में इमारत है, हकीकत में जन्नत का एक टुकड़ा है। आयतुल्लाह बहजत अलैह रहमा, ये मोतबर इंसान ने मुझसे बताया उनके बकौल, कि वो फरमाते थे कि अगर मजलिस में जाओ और कोई रास्ते में तुमसे पूछे कि कहां जा रहे हैं, तो ये ना कहना कि मजलिस में जा रहा हूं, बल्कि कहना करबला जा रहा हूं। जिंदाबाद। तो कहना करबला जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि परवरदिगार ने करबला को किसी जमीन में महदूद नहीं किया है। जहां हुसैन के चाहने वाले अपने आंसुओं के जरिए हुसैन की मां को बुला ले, वो सरजमीन करबला की सरजमीन का मकाम पा लेती है। हां आजादारों, इमाम ने खुदा के लिए कयाम किया, खुद भी कयाम किया
जो उनके साथ थे उनको भी लेके चले। जिनको लेके चले हैं हुसैन, सब एक से एक सूरज और चांद हैं, लेकिन इन तमाम में से एक सूरज ऐसा भी था कि जिसका नक्शे निगार रसूल का नक्शे निगार था। हुसैन ने कुर्बानी के लिए खुदा के सामने एक ऐसे जवान को पेश किया, और जब जनाब अली अकबर रन की तरफ बढ़े तो मौला ने जुमला कहा, अल्लाहुम्मा शहद, ऐ मेरे परवरदिगार तू शाहिद है, ऐसे जवान को भेज रहा हूं कि जो तेरे नबी से मुशाबहत रखता है, खलकन व खुलकन व मंतिकन, जिसका जाहिरी वजूद तेरे नबी की तरह है, जिसका अखलाक तेरे नबी की तरह है, जिसका बोलना तेरे नबी की तरह है, और जब हम नबी की जियारत का इश्तियाक करते थे तो अली अकबर की जियारत कर लेते थे। आजादारो, उलमा फरमाते हैं कि जब जनाब अली अकबर रुख्सत होके चले तो कुछ दूर जाने के बाद शहजादे को एहसास हुआ कि कोई पीछे पीछे आ रहा है। परवरदिगार हमारे जवानों को सलामत रखे। एक मर्तबा मुड़ के देखा तो अजीब मंजर था, बूढ़ा बाप पीछे पीछे चलता आ रहा था। जनाब अली अकबर उतरे, कहा बाबा आपने मुझे रुख्सत तो कर दिया था, अब ये दोबारा आने की क्या जरूरत है? शायद हुसैन ने कहा हो, बेटा अली अकबर अगर बाप होते हैं तो एहसास कर लेते हैं कि एक जवान लाल को मैदान में भेजना कितना सख्त काम होता है, लेकिन हुसैन ने मर्जी परवरदिगार हासिल करने के लिए, हुसैन ने अदालत को कायम करने के लिए इस इम्तिहान को बखूबी कबूल कर लिया। हा आजादार हो, जनाब अली अकबर मैदान कारजार में जाते हैं, वो जंग करते हैं कि लोगों को अली याद आ जाते हैं। आप देखें करबला के मैदान में एक ऐसा लड़ने वाला है जो जंग के बीच में वापस आया है, क्योंकि इस मैदान में जो भी गया वो वापस नहीं आया, लेकिन अली अकबर वापस आए हैं। मुझे नहीं मालूम कि इसके पीछे क्या फलसफा है, शायद इसका फलसफा यह हो कि अली अकबर से जुदा होना हुसैन के लिए बड़ा सख्त था, अली अकबर से जुदा होना जैनब के लिए बड़ा सख्त था, अली अकबर से जुदा होना बनी हाशिम के लिए बड़ा सख्त था। एक मरहले में ये जवान कैसे जुदा हो जाता? परवरदिगार ने इंतजाम किया, अली अकबर जरा एक बार वापस आ जाओ, अहले हरम की धारस बंद जाए, हुसैन की धारस बंद जाए। लेकिन ये भी एक इम्तिहान हो गया, शहजादा वापस आया और आने के बाद एक इल्तिजा रख दी, बाबा अगर जरा सा पानी मिल जाता तो मैं दुश्मन को बता देता कि मेरे सीने में किसका दिल धड़क रहा है। अल्लाह अकबर, अरे जिसकी मां को हो कौसर और तस्नीम मिला हो, आज उसी के लाल के आगे अली अकबर पानी मांग रहे हैं, हुसैन सर झुकाए खड़े हैं। जब रुख्सत किया होगा आवाज दी होगी, अली अकबर जाओ, अब अली ये मुर्तजा अपने हाथों से सैराब करेंगे। अला लानतुल्लाह अलल कौम अज़्ज़ालिमीन, सयअलमु अल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन।
بزن بقضائه وتسليما لأمره لا معبود سواك يا غياث المستغيثين. بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام امام کے آوان و انصار میں شمار فرما، پروردگار پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما. میرے معبود تیری توحید کو ماننے والے اس دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی محافظت فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء عاجل و کامل عنایت فرما، جو مقروض ہیں غیب سے ان کا قرض عطا فرما، جو بے روزگار ہیں پروردگار ان کے لیے مناسب روزگار کا انتظام فرما، جو بے اولاد ہیں ان کی گودیوں کو اولاد کی نعمت سے بھر دے، جو صاحب اولاد ہیں انہیں توفیق دے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر سکیں. پروردگار علماء عالم کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، مملکت اسلامیہ کا تحفظ فرما. پروردگار محبت اہل بیت عزاداری سید الشہداء تا قیامت ہماری نسلوں میں باقی رکھ. پروردگار جب ہم اس دنیا سے جائیں ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے میں دامن اہل بیت ہو. بار الہ اس مجلس کے بعد جس تقریب کا انتظام کیا گیا ہے اس میں برکت عطا فرما. پروردگار ان کے رابطے کو اولیاء زہرا سلام اللہ علیہما کے رابطے کی طرح بنا دے. پروردگار اس سے جو نسل جاری ہو اس کو امام کے اصحاب و عوام میں شمار فرما. پروردگار ہماری پہلی اور آخری دعا تیری بارگاہ میں یہی ہے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے عوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. محمد وآل محمد تلوار. مرحوم دیو جی بھائی گلاب حسین بھائی نے رونا ثواب ماں سور فاتحہ.